मध्य प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आप लगातार देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आज का एक और मामला बैतूल से आया है, जहां एक लड़की रोजगार न मिलने से, बेरोजगार होने के कारण दुखी होकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो गनीमत रही कि एक ऑटो चालक ने समय पर अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उस युवती को बचा लिया। ऑटो चालक जिनका नाम बताया जा रहा है, ऑटो रिक्शा चालक मोहसिन जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस लड़की को आत्महत्या करने से बचाया। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहसिन को जान बचाने के लिए बधाई दी, उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक संदेश भी दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपने भांजे भांजियों से कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो अपने परिजनों के साथ बैठकर बात करें, बात करने से हर समस्या का समाधान मिलता है। आवास में आवेश यानी गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम हमेशा गलत होता है। आप सदैव अपने मन की बात दूसरों से साझा करें। अब मुख्यमंत्री जी आपसे एक सवाल कि युवा अपने मन की बात किससे साझा करें? आप प्रदेश के मुखिया हो, आप मुख्यमंत्री हो, लगातार चाहे वो चयनित शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर बी ग्रेड हो या फिर कोई भी युवा, लगातार जो रोजगार से परेशान है, चाहे पीईबी की भर्ती ना आ रही हो, एमपी पीईबी में पिछले 3 से 4 सालों से पुलिस की भर्ती, और लगातार जो ये सूखा पड़ा है रोजगार को, उसको लेकर मध्य प्रदेश का युवा आपको ट्विटर पर टैग कर रहा है, फेसबुक में पोस्टें डाल रहा है, आपसे मिलने के लिए समय मांग रहा है, अब बताइए साहब कि वो कैसे अपनी परेशानियों को दूसरों से साझा करे, किससे साझा करे? आप सोच भी रहे हैं कि एक तो कोविड, ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से घर का दबाव, ऊपर से जो खाने पीने की सामग्रियां, लोगों का जीना इस समय पर नामुमकिन हो रहा है। हालांकि मैं किसी भी स्थिति में, मैं क्या कोई भी एक सभ्य नागरिक आत्महत्या को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराएगा, और वो यही कहेगा कि जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, आत्महत्या कभी ना करें, सरकार को घेरिए, आपको सरकार से समस्या है तो सरकार से सवाल करिए, आंदोलन करिए, लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, आप पिछले 15 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जवाबदेही तो बनती है, अगर एक भी प्रदेश का युवा रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या करता है तो इसके जिम्मेदार कौन? और आपको बता दें कि वो व्यक्ति जो रोजगार के लिए कैपेबल नहीं है, जो जिस ओहदे के, वो कतई आत्महत्या करने के लिए नहीं जाता है। आत्महत्या करने के लिए वही पढ़ा लिखा रोजगार जाता है, पढ़ा लिखा युवा जाता है जिसको वास्तव में रोजगार मिलना चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट है, जो कैपेबल है कि वो रोजगार पा सकता है, लेकिन ये जो नौकरियों का सूखा पड़ा है उसके कारण वो मजबूर है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। हालांकि यह किसी भी हालात में सही नहीं है, आपको जीवन जीना चाहिए, जीवन एक बार मिलता है। मैं आप सभी युवाओं से दरखास्त करता हूं कि किसी भी हालत में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए। लेकिन सवाल आपसे सीएम साहब लगातार बना रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं? ट्वीट करने से फुर्सत मिल गई हो तो जनाब नौकरियां भी निकालिए, और अगर आप हो सकता है कभी ट्विटर फेसबुक नहीं चलाते हो, आपके सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए पीआर बैठे होंगे, युवक लगे होंगे, तो महाराज आप कभी खोलिए, उसमें देखिए कि लोग आपको टैग करके कितनी अच्छी अच्छी आपके लिए बधाइयां और तारीफें लिख रहे हैं रोजगार न मिलने के कारण। कभी इन चुनाव से बाहर निकल के आम जनता के मन को भी टटोलिए, और हाँ, मंच पर बुलाकर कलेक्टर एसपी को झाड़ने से या चमकाने से रोजगार नहीं मिलती, रोजगार देने के लिए एक नियति बनानी पड़ती है, नीति बनाना पड़ता है और उसमें क्रियान्वयन भी करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।